ए गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन को दूसरे टर्म में बोलते हैं एज अ रिलेशनशिप। सो बेसिकली एग्रीगेशन में क्या करेंगे हम कि एक क्लास जो है डिफाइन करेगी दूसरी क्लास को। ठीक है, सो उसको किस तरह हम अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, तो इसका नाम ही मैंने रख दिया एग्रीगेशन। एंड नाउ इस फोल्डर को हम हमारे वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस फोल्डर के अंदर जो हमने फोल्डर ओपन किया है इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे .NET न्यू कंसोल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें हम बना लेते हैं हमारा प्रोग्राम का मेन बॉडी। ठीक है, इसको हम रखेंगे एक नेम स्पेस के अंदर। सो कंप्लीट हमारी क्लासेज एक नेम स्पेस के अंदर रहेगी यहाँ पे। तो मैंने इसका नाम एग्रीगेशन रख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्लासेज बनाएंगे। सो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्लॉय का और उसका एम्प्लॉय के एड्रेस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है, एड्रेस नेम से मैंने क्लास बना लिया। नाउ अब इसमें पहला वेरिएबल ले लेता हूं मैं एड्रेस। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें ले लिया सिटी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। तो ये एड्रेस हमें स्मॉल में लेते हैं क्योंकि एड्रेस ऐसे क्लास का नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, तो अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या भेजेंगे हम, ये वैल्यूज को भेजेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग एड्रेस ले लिया मैंने। ऐसे ही हमने एक स्ट्रिंग ऊपर सिटी लिया था, तो यहाँ पे हमने सिटी ले लिया। ठीक है, तो अब इनको हमारा कंस्ट्रक्टर वैल्यू असाइन करेगा। वैल्यू असाइन हम करेंगे दिस दिस कीवर्ड की मदद से, सेम ऐसे ही सिटी के लिए कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे तैयार हो गई। पत्ती छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे तैयार हो गई। इतनी है हमारी पहली क्लास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं दूसरी क्लास। तो तब तक लीजिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने एड्रेस की क्लास बना ली, अब यहाँ पे हम दूसरी क्लास बनाते हैं। लाइक मैंने एक क्लास ले ली एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास बना दी। एम्प्लॉय के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने इसमें ईएमपी नेम एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक स्ट्रिंग ले में ले लिया है ईएमपी सैलरी। ठीक है, तो मैंने सैलरी ले ली 90,000। ओके, अभी मैंने एज अ इसे एज स्ट्रिंग में ले लिया है क्योंकि हम पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास का हम बना लेते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर में हमारा यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एग्रीगेशन को यूज करेंगे। सो एग्रीगेशन कैसे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, वो वेरिएबल बनेगा हमारा एज अ क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल कैसे बना सकते हैं हम, हमने क्लास किस के क्लास का बनाना है, एड्रेस क्लास का बनाना है। सो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एड्रेस एड्रेस। ठीक है, एंड अब ये क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी जो क्लास थी उसको कॉल करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें इस एड्रेस जो क्लास है इसका वो हमें ऑब्जेक्ट बना के उसे वो पास करना होगा, और डायरेक्टली हम इस क्लास को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं बिना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वापस से हम सारी वैल्यूज को असाइन कर देते हैं।
ये हो जाएगा ईएमपी सैलरी हमारी, एंड सेम हमारा ऐसे ही हो जाएगा एड्रेस के साथ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे इसे, ठीक है। हमने क्या करा है यहाँ पे, एम्प्लॉय की जगह यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमने यहाँ पे दो क्लास बना ली है, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा मेन मेथड कॉल यहाँ पे, सो उसके लिए हम एक और क्लास बना लेते हैं। तो मैंने इसका नाम ही रख दिया मेन क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम हमारा मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, ये जो एड्रेस क्लास हमने बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम इसे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक एड्रेस एडी, ठीक है। न्यू कीवर्ड से हम इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था ये वैल्यू असाइन लेता है हमारी एज अ पैरामीटर में एड्रेस एंड सिटी, ठीक है। सो हम यहीं पे इसको एड्रेस और सिटी पास कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एड्रेस दे दिया लाइक, एंड सिटी दे देता हूँ मैं, दिल्ली दे देता हूँ सिटी, ठीक है। ये हमारा एड्रेस बन गया। ऐसे ही हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ईएमपी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले एम्प्लॉय में क्या था हमारा ईएमपी नेम, ठीक है। ईएमपी नेम मैंने दे दिया लाइक योगेश, ठीक है ना। उसके बाद हम एम्प्लॉय की सैलरी अपने हिसाब से कोई भी सैलरी हम ले सकते हैं, लाइक मैंने 80,000 इसकी ले ली है, ठीक है। उसके बाद हमने अगला पैरामीटर देखो यहाँ पे लिया था एड्रेस, एड्रेस एज अ पैरामीटर की एक क्लास है हमारी। सो हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको ऑब्जेक्ट को वैल्यूज दे दी है, एंड नाउ यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को इजिली पास कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही था। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ईएमपी है हमारा सेम, इसके अंदर ही हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक हमेशा की तरह हमारे जो रिजल्ट जो वैल्यूज हमने सेट किए वो दिखनी भी चाहिए, तो हम एक डिस्प्ले नेम से फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट लाइन करते हैं, तो एम्प्लॉय का नेम, सो एम्प्लॉय का नेम क्या डालेंगे हम यहाँ पे, एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा ईएमपी नेम, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते हैं हम बैकस्लैश टी, टी फॉर थोड़ा सा हमारा टैब इंडेक्स आगे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद रखते हैं हम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी के लिए हमने कौन सा यूज किया था, ईएमपी सैलरी, ठीक है। तो ये ईएमपी सैलरी आ जाएगा। ऐसे ही हम कर लेंगे हमारा जो एड्रेस हमने पास किया यहाँ पे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया, हमने एज एड्रेस हमने इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने इनको पास कर दिया है, और इनको हम डायरेक्टली जो ये हमने बनाया है इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस। नाउ एम्प्लॉय का एड्रेस क्या करेंगे हम यहाँ पे, एड्रेस डॉट एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस कौन सा है, ये हमने वेरिएबल बनाया था एड्रेस, एंड इसके अंदर हमने एक अलग से वेरिएबल बनाया था एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। नाउ सेम इसकी तरह ही हम एक टैब इंडेक्स दे देंगे इसको। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, एम्प्लॉय सिटी, क्योंकि हमने सिटी दूसरा वेरिएबल लिया था, तो हम इसमें सेम सेम वही करेंगे, एड्रेस डॉट, यहाँ पे आ गया हमारा सिटी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये हमने कॉल भी करवाना है, सो हम ये कॉल क्यों करवाएंगे, ये किस में बनाया हमने, एम्प्लॉय क्लास के अंदर बनाया है। तो जो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है हमारा ईएमपी, सो ये डायरेक्टली हम इसे कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन को, तो इसको एज अ पब्लिक बनाना पड़ेगा यहाँ पे। है तो ये हमारा एग्रीगेशन का प्रोग्राम यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब इसको करते हैं रन, ठीक है। सो रन करने के लिए हम लिखेंगे डॉट नेट रन, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम योगेश, एम्प्लॉय सैलरी आ गई 80,000, एम्प्लॉय का एड्रेस आ गया दिल्ली एनसीआर, एंड सिटी आ गई। तो इस तरह से हम एग्रीगेशन को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।